हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है बोन ब्रेकिंग पर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इट्स किड्जो के सिग्नेचर मूव के बारे में। तो सबसे पहले आप ये डेमो देखिए। तो गाइज यही स्किड्जो का सिग्नेचर मूव है जो कि आप हर डांस के वीडियो में आप देख सकते हो। तो ये सिग्नेचर मूव को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप हर चीज को समझ पाओ, और साथ ही साथ यदि आपको बोन ब्रेकिंग बिगनर लेवल की आती है तभी आप इसे सीख पाओगे। यदि आपको बिगनर लेवल की बोन ब्रेकिंग के बारे में नहीं पता तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बिगनर लेवल की बोन ब्रेकिंग के सभी मूव के बारे में बताया है। तो आप इसे वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आपको बिगनर लेवल की बोन ब्रेकिंग सीखनी है तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं जिसका नाम है बोन ब्रेकिंग 101। इस कोर्स में आप बिगनर लेवल के बोन ब्रेकिंग के मूव सीखोगे। तो कोर्स को परचेस करने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, और यदि आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके इसे डिटेल्स में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले अपने रिस्ट को ग्रेप कीजिए, फिर अपने हाथ को स्ट्रेट करते हुए अपने हेड के पीछे लेकर जाइए। जिस हाथ से आप ग्रेप कर रहे हैं वही आपका हेड के पीछे जाएगा, और जितना हो उतना आप उसे खींचने की कोशिश करें। फिर दूसरे हैंड को स्ट्रेट करें और साथ ही अपनी ग्रिप को एडजस्ट करते हुए अपने शोल्डर को डिसलोकेट करें। डिसलोकेशन करने के बाद आप एल्बो को बेंड करके अपने फिंगर को इस तरह अपने चेस्ट पर प्लेस करें। फिर आपको हैंड की ग्रिप छोड़कर अपने हैंड को स्ट्रेट करना होगा, इस तरह अपने हैंड को रखना होगा। यहाँ पर बिना सपोर्ट के अपने हैंड को रखना है और इसके लिए आपको हेड का यूज़ करना होगा। यदि आप अपने हेड को आगे रखोगे तो आपका हाथ स्लिप हो सकता है, इसलिए आपको हेड को पीछे पुश करना होगा ताकि आपके हेड से आपका हैंड लॉक हो जाए। बस इतना ही करना है, और इस पोजिशन में फिर आप टटिंग और वेविंग को भी एड कर सकते हैं। एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको हेल्प करेगी इस मूव को परफेक्ट करने में। डेड आर्म करिए और ट्राई कीजिए एल्बो को छोड़कर रिस्ट को ग्रैब करने की, और फिर इसे होल्ड करके रखिए। एक्सरसाइज सेकेंड। इस तरीके से एल्बो को ग्रैब करके अपने हैंड को पीछे लेकर जाइए, और इस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन को होल्ड करना होगा। इसे आपको 10 से 5 सेकेंड तक होल्ड करना होगा, और यह एक्सरसाइज आपको 2 से 3 मिनट तक करना होगा। एक्सरसाइज थर्ड। इस एक्सरसाइज में आपको रिस्ट को ग्रैब करके अपने हैंड को चेस्ट के पास लाना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड, और इस एक्सरसाइज को भी आपको 2 से 3 मिनट तक करना होगा। एक्सरसाइज फोर। इस एक्सरसाइज में रिस्ट ग्रैब करके आपको हैंड स्ट्रेट करना होगा और होल्ड करना होगा 10 से 5 सेकेंड, और इसे भी आपको 2 से 3 मिनट तक करना होगा। एक्सरसाइज फिफ्थ। यह सेम एक्सरसाइज सेकेंड की तरह है, पर यहाँ आपको बिना सपोर्ट के इसे होल्ड करना होगा, उसे होल्ड करके रखना होगा। तो गाइस ये कुछ एक्सरसाइज थी जो कि आपको हेल्प करेगी इसे सीखने में। तो इसे आप करिए, इसे प्रैक्टिस करिए, और इससे आपका जो मूव है वो और भी परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इस मूव को काउंट के साथ करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आपको डिसलोकेट करना होगा, फिफ्थ में आपको एल्बो बेंड करना होगा, एंड सिक्स, सेवन में आपको रिलीज करना होगा, एट, अगेन बट डू फास्ट। तो गाइज यहीं पे वीडियो हम एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वेविंग पर। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन कीप डांसिंग।